वो भाई साहब अपने साथ खेला सरेंडर, सरप्राइज सरप्राइज मदरफकर, सरप्राइज सरप्राइज मदरफकर सरप्राइज। सो गाइस स्वागत है ट्रिपल ई गेमिंग में, और भाई साहब आज पूरा खेल करने वाले हैं। यानी भाई गाड़ी का अगर आपने नाम सुना हो सुपरा विद 2GZ साउंड के साथ, यार एक गाड़ी चुराने वाले हैं जो कि यार किसी बंदे ने इंपोर्ट कराई है बाहर से, और वो भाई उसके पास डिलीवरी होने जा रही है, तो उसको हम रास्ते में से ही भाई साफ़ करेंगे, यानी रास्ते में से ही उसको उड़ाएंगे। और अपने पास अभी KTM RC390 है। तो यार देखो सबसे पहला काम मैंने ड्रेस तो कर दिया है माइकल को, बस अपने को जो मेन चीज़ चाहिए वो अभी मास्क की ज़रूरत है। और यार मास्क का सबको पता ही है किधर मिलता है, तो यार मूवी मास्क नाम की जगह है जो कि भाई बीच के पास है। तो यार इसको मार्क करते हैं फटाफट से और चलते हैं भाई मास्क लेने। ये बंदी क्यों डर रही है भाई खुद से? इसका भी सही सीन है यार, देखो KTM काफ़ी ज़्यादा सही चलती है भाई, मौज आ जाती है। पर यार KTM छोड़ो, अपने प्लान के बारे में बताता हूँ आपको। तो देखो सीन कुछ ऐसा है, हमें ड्राइवर के साथ भाई ये करनी पड़ेगी चोरी, क्योंकि भाई अगर अकेले करेंगे तो भाई फंस जाएंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी होने वाली है उस चीज़ के साथ। चीज़ बोल रहा हूँ भाई, सुपरा के साथ काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी होने वाली है, तो यार हमें ड्राइवर की मदद लेनी पड़ेगी। तो वैसे मैंने ड्राइवर से बात कर ली थी, तो ड्राइवर ने बोला था भाई उसी रोड पे मिलने वाला है ड्राइवर हमको, जिस रोड पे खेला कर रहा है सुपरा के साथ। तो यार ड्राइवर को छोड़ते हैं सबसे पहले, तो मास्क की तरफ ही चलते हैं। वैसे यार देखो ड्राइवर तो भाई बहुत ज़्यादा खतरनाक बंदा है, तो ड्राइवर तो भाई अपना जुगाड़ करके आएगा सब मास्क वगैरह का, तो उसके लिए हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने मास्क की चिंता करते हैं और अपना फेस बचाते हैं भाई, ताकि किसी को पता ना चले, नहीं तो भाई भंडे होने के चांसेस है पूरे पूरे। और तुम्हें तो पता ही है भाई भंडे होते हैं तो खतरनाक ही होते हैं। वैसे भी माइकल यार स्टार्टिंग में भी अपनी पहचान छुपा के खेला कर चुका था, पर फिर भी भाई पता चल गया था ड्राइवर को। आपको पता ही होगी यार मेन स्टोरी लाइन अगर आपने देखी हो या खेली हो। वैसे तो यार अब बहुत ज़्यादा बंदों ने खेल ही लिया है गेम, पर पहले भाई कुछ ऐसा सीन था GTA के लिए, तड़पते थे बंदे के यार GTA नहीं खेला तो क्या खेला। तो पहले का रोला कुछ अलग था, अब का रोला कुछ अलग है। तो यार देखो मास्क की शॉप पर आ चुके हैं, और इधर से मास्क पकड़ दें फटाफट तकड़ा सा। अरे यार बंदे डर रहे हैं अपने से, इतना डरावना कहाँ लग रहा है माइकल? ओहो ये लड़ना आ रहा है अपने से, आजा बेटे डोज कर रहा है भाई, डोज ले भाई ले, हमारा भी डोज ले। और ये पंच किक बहुत सही। चल भाई इसको तो निपटा चुके हैं यार, निपट गया है बंदा, खेला करते हैं मास्क लेने का। तो ठीक है भाई जल्दी से परचेज़ कर लिया है, मास्क परचेज़ कर लिया है भाई ब्लैक वाला जो इस ड्रेस के साथ ही आता है। पर देखो इनके पास यार मास्क थोड़े अजीब से थे, तो यार ज़्यादा से सूट भी नहीं कर रहे थे इस ड्रेस के साथ। तो जो इस ड्रेस के साथ मास्क आता है वही वाला मैंने सोचा फ़िट कर लेते हैं, तो उसी वाले मास्क को फ़िट किया है। अब देखो सबसे मेन चीज़ हमें क्या करना है, गन की दुकान पर चलना है, यानी एमुनेशन की दुकान पर हमें चलना है, क्योंकि भाई गन के बिना क्या ही कर पाएंगे। तो गन की दुकान पर भी चलते हैं भाई। यार ड्राइवर के लिए गन लेनी चाहिए या नहीं? वैसे तो यार ड्राइवर अपना जुगाड़ करके आ ही जाएगा, अपने लिए लेते हैं भाई गन। एक असोल्ट राइफल की ज़रूरत होगी हमें, यार पिस्टल से काम नहीं चलेगा। वैसे पिस्टल मेरे पास है एक ग्लोक 17 कॉम्बैट पिस्टल है, पर यार पिस्टल से काम नहीं चलेगा, तो असोल्ट राइफल की ज़रूरत है। असोल्ट राइफल में ले सकते हैं भाई AKM वगैरह, या फिर AK-47 होती है। उसके अलावा भाई कार्बन राइफल है जो कि भाई M416 है अपने पास। तो चलते हैं यार देखते हैं इसके पास क्या क्या है। हाँ ठीक है भाई, एमुनेशन की शॉप पर हम आ चुके हैं। और ये बंदे यार रगड़ पता नहीं क्यों ले रहे हैं, देख रहे हो भाई लॉक करनी ज़रूरी है भाई बाइक, वरना भाई चोर कुछ ज़्यादा ही हो रहे हैं। हम तो कुछ चुराने जा रहे हैं, अपनी बाइक ना चोरी हो जाए भाई, बाइक भी बचानी है। लो भाई देख सकते हो यार स्नाइपर पिस्टल दिखा रहा है भाई, पिस्टल नहीं चाहिए भाई। सबसे पहले असोल्ट राइफल की ओर चलते हैं। और ये देखो भाई AK-47 ये नहीं लेंगे, देखो ये है भाई अपनी M416, यही वाली राइफल हम अपने को चाहिए, असोल्ट राइफल। ठीक है भाई इसको परचेज़ कर लिया है, और इसके साथ यार इसके थोड़े से एमओ भी परचेज़ करेंगे, वरना विदाउट एमओ क्या ही करेंगे। ठीक है भाई हमने सब कुछ परचेज़ कर लिया है, अब देखते हैं बाहर निकल के अपने पास आ चुकी हैं ये या फिर इसने खेला कर दिया। अच्छा ड्रेस भी है इसके पास, ड्रेस भी चेक कर सकते हैं, पर यार ड्रेस चेक करके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी हम अच्छे से ड्रेस हैं, बाद में देखेंगे आगे क्या कुछ नया है इसके पास। ये देखो भाई जो मैं बात कर रहा था, अपने पास एक पिस्टल है, बाकी M4 देख सकते हो, और कितनी सही लग रही है बंदे के हाथ में, काफ़ी ज़्यादा सही लुक आ रहा है। चलो भाई अब फाइनली मतलब पहले लॉक खोलते हैं अपनी बाइक का, लॉक लगाना ज़रूरी होता है भाई, वरना खेला कर देते हैं बंदे, सब चोर है भाई सिटी में, लॉस सैंटोस में ज़्यादातर बंदे चोरी है। तो देखो यार मैं बताता हूँ इधर अपने को, ये देखो इधर मिलने वाला है अपने को ट्रैवर, तो यार जल्दी से चल लेते हैं ट्रैवर के पास और देखते हैं, पूछते हैं मतलब पता करते हैं क्या प्लान है ट्रैवर का, किस तरीके से भाई सुपर हम निकाल सकते हैं। यार बहुत ज़बरदस्त कार है भाई सुपरा यार, बहुत ज़्यादा सही चलती है, और उसका टॉर्क वगैरह काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है भाई, बहुत ज़्यादा खतरनाक कार है। अभी देखो यार चलाने में तो क्या ही फील आएगा उसको,
बस अलग ही मजे हैं भाई उसका गाड़ी के, क्या ही बोला जाए, गजब की गाड़ी है। कितना टाइम लगेगा यार जाने में उधर, बर्दाश्त नहीं हो रही भाई। सुपरा चीज़ ही ऐसी है, ख़तरनाक एकदम। बाकी ड्राइवर यार, बस ड्राइवर देर ना करे तो अच्छा है, वरना यार अगर ड्राइवर ने देर किया तो कभी अपना ट्रक निकल जाए, जिससे यार सुपरा आने वाली है वो ट्रक ना निकल जाए। तो यार जल्दी से चलते हैं, कभी टाइम की दिक्कत हो। ये देखो टनल देख सकते हो यार, ये काफ़ी ज़्यादा सही लगती है वाली टनल भी। इसी वाली टनल से बचने की कोशिश करेंगे, एस्केप जब करेंगे। अभी तो फ़िलहाल यार अटैक ही कर लें, एस्केप तो दूर की बात है। ये देखो यार काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है माहौल। लगता है यार अभी वो आए नहीं है भाई, ट्रेलर आए नहीं है अभी, कोई ट्रक वगैरह आया नहीं है जिससे कार जाने वाली है। अभी तो पूरी रोड मतलब नॉर्मली लग रही है, ऐसा लग ही नहीं रहा कुछ आने वाला है। तो इधर की तरफ ये देखो भाई, इधर ही बोल रहा था ड्राइवर ने मिलने के लिए। तो यार वेट करते हैं ड्राइवर का, देखते हैं भाई कितना टाइम लगाने वाला है ड्राइवर आने में। तो यार देखो काफ़ी टाइम हो चुका है वेट करते करते, और भाई शाम कर दिया ड्राइवर ने, और ये देखो सामने से आ रहा है भाग कर। देख सकते हो भाई ड्राइवर फाइनली आ चुका है, पर यार ड्राइवर ने कुछ ज़्यादा ही देर कर दी। पर यार कोई दिक्कत नहीं है, देख लेते हैं क्या सीन है। चलो भाई ड्राइवर फाइनली अपने पास आ चुका है, बहुत सही ड्राइवर। चलो भाई ये देखो पोजीशन ले लिया बंदों ने, बहुत सही, शायद से इधर से बंदा आने वाले हैं। ये देखो भाई सामने देख सकते हो यार, उन्होंने हमारी पोजीशन को पॉइंट कर लिया है, इसलिए भाई बंदों ने पीछे ही कार रोक लिया, पीछे ही कार रोक लिया यार बंदों ने। देख सकते हो यार काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी है इनके पास। और ये देखो भाई चेक करना आ रहा है शायद, और भाई साहब बुलेट प्रूफ कार है इनके पास, इसको फोड़ते हैं भाई। गए भाई, स्पीड तो स्लो करिए पर शायद से नहीं गया है। और ये देखो यार इनकी सिक्योरिटी आ रही है भाग भाग कर, ये कार कहाँ गई इसकी। ये देखो भाई मोड़ा है बंदा, यार ये बुलेट प्रूफ कार है भाई, गलती कर दी हमने, गलती कर दी भाई, इधर खड़े हो गए। हमें थोड़ा सा यार मतलब हाइड होना चाहिए था तो बच सकते थे, पर हम यार ओपन में खड़े थे। मैंने सोचा था यार ऐसे ही बंदों को गिरा देंगे कार में से, पर ये अपनी सबसे बड़ी गलती थी। और ये देखो भाई पुलिस भी अपने पीछे आ चुकी है, अब यार पुलिस से भी बचना पड़ेगा। और कार तो भाई मुझे लेनी लेनी है, वो कार का तो बिना तो भाई खेल ही नहीं है, कार तो चाहिए ही चाहिए। वो सुपरा यार गजब की कार है, पर फाइट देख सकते हो यार काफ़ी ज़्यादा इंटेंस फाइट चल रही है। ओ भाई साहब यार खेल अपने साथ गलत हो चुका है यार, ये लोक क्यों लगा देता हूँ मैं गाड़ी का, अब तो मुझे लोक लगाने की जरूरत नहीं थी। चलो यार ड्राइवर तुम करो, ड्राइवर कवर दो कवर दो कवर दो कवर दो। ओ भाई साहब ये देखो भाई, ये वाला ट्रेलर देख रहे हो, इसी वाले ट्रेलर में भाई आने वाली थी गाड़ी, और पता नहीं भाई इसका ट्रक कहाँ चला गया, इसका आगे का ट्रक पता नहीं भाई किधर चला गया, गोली बारूद में लगता है ट्रक के साथ भी कुछ खेल हो चुका है। पर यार ये यार पुलिस अपने पीछे लग चुकी है, पुलिस भी यार दिक्कत ही है, अपने साथ धोखा कर रही है, दुश्मनों का साथ दे रही है। यार उठाने दो कार यार, निकालने दो कार, खेला है भाई खेला है, इसको खोलते जल्दी से ट्रेलर को। ओ भाई साहब अपने साथ खेला सरेंडर, सरप्राइज सरप्राइज मदरफकर, सरप्राइज सरप्राइज मदरफकर सरप्राइज। ये देखो भाई सरप्राइज मूव देख सकते हो ट्रेवर की ओर से, भाई साहब ट्रेवर ने बहुत सही कोऑपरेट किया अपने साथ, और ये ट्रेवर की वजह से भाई जान बच चुकी है। जल्दी से कार में बैठने की कोशिश करेंगे, ट्रेवर बैठ जल्दी आ जा भाई जल्दी आ, बहुत सही ड्राइवर बहुत सही, निकलते हैं भाई निकलते हैं। ओ भाई साहब यार इसका टॉर्क देखो, अरे यार ये तो कंट्रोल ही नहीं हो रही भाई, बहुत ज़्यादा सही चल। ये देखो भाई कितना ख़तरनाक टॉर्क है भाई इस गाड़ी का, गजब भाई गजब। और ये देखो यार ड्राइवर की हरकत देखो भाई, ड्राइवर रुक जा कुछ देर भाई रुक जा, निकलने दें से लूज़ करने दो कोप को, एस्केप कर लें भाई किसी तरीके से, मज़ा ही आ जाए भाई। सुपर अपने हाथ लग चुकी है, पर यार काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुकी है, डैमेज की टेंशन नहीं है भाई, बहुत पैसा है, डैमेज की टेंशन नहीं है सर, डैमेज की कोई टेंशन नहीं है, इसको हम कर लेंगे आराम से, आराम से इसको रिपेयर करा लेंगे। पर दिक्कत एक ही है बस, पुलिस से किस तरीके से बचा जाए, पुलिस से बच सकते हैं। और यार एक दिक्कत और हुई, मैंने ड्राइवर को बोला था कि अपनी KTM ये लेकर के आ जाए पीछे, पर भाई ये अपने को ही फॉलो करने लगा, तो अपनी KTM जा चुकी है, और शायद से भाई पुलिस वाले उसको जब्त कर सकते हैं KTM को। और अगर यार पुलिस वालों ने जब्त किया तो लगता है भाई फिर वो भी छुड़ा के लानी पड़ेगी, क्योंकि यार KTM भी काफ़ी ज़्यादा महंगी बाइक है, और यार हमने इंपोर्ट कराई थी KTM, तो यार उसको भी छुड़ा के लाना पड़ेगा। पर अभी फ़िलहाल यार इस पर ध्यान देते हैं किस तरीके, यार इसकी स्पीड देखो भाई, यार क्या चल रही है इसकी, साउंड साउंड भाई खतरनाक साउंड, खतरनाक एकदम साउंड, स्पीड गजब भाई गजब। ये देखो यार हिल रही है गाड़ी, पूरी हिल रही है पूरी, और रात में तो यार और मज़ा आएगा इसमें, वो भी लगी हुई है ज़ेनन लाइट लगी हुई है इसमें, न्यून लाइट्स वगैरह सब कुछ है भाई, बहुत ज़्यादा फील आने वाला है इस गाड़ी के साथ। नेक्स्ट रोबरी जब इससे हाइस्ट करने जाएंगे तो भाई इसी वाली गाड़ी का यूज़ करेंगे। यार स्पीड देखो भाई इससे तो भाई, भाई बंदों का इसने
लट्टू बना दिया भाई, क्या स्पीड में चल रही है गाड़ी, बहुत सही स्पीड में जा रही है। छुपने की कोशिश करते हैं यार, देखो अगर कोप को लूज़ करना हो भाई, जिसको नहीं पता GTA 5 में, तो यार देखो छुपने की ऐसी जगह जाओ जहाँ पर रडार में ना आ सको पुलिस के, और जैसे ही तुम उसकी रडार से बाहर जाओगे थोड़ी देर रुको 20 से 30 सेकंड, तो भाई कोप को तुम लूज़ कर सकते हो इजीली। तो यही ट्रिक है भाई, और क्या ही कर सकते हैं भाई। तो ठीक है भाई, इधर ही रुकते हैं। और ये देखो भाई, अपने पुलिस को भाई हमने लूज़ कर दिया है भाई, कोप्स को, अब आराम से भाई इजी निकल सकते हैं हम इधर से, और जाते हैं यार माइकल के घर पे। ठीक है भाई, मार्क करते हैं माइकल के घर को, सबको पता ही होगा भाई माइकल का घर कौन सा है। माइकल के घर को मार्क करते हैं और इजी निकलते हैं भाई इधर से, इजी इजी निकलेंगे इजी भाई। सारा खेल कर दिया हमने, गाड़ी अपने हाथ में लग चुकी है, बस दिक्कत ये कि इसको रिपेयर कराना होगा, जो भाई यार इतनी बड़ी बात नहीं है, इतनी बड़ी डील नहीं है भाई, जब चुरा ली तो अब इसको यार रिपेयर तो करा ही सकते हैं। ओ भाई LSPD, अरे मुझे लगा है भाई मुझे बोल रहे हैं स्टॉप द व्हीकल, पर यार ये दूसरे के पीछे थी, और यार इनको पता भी नहीं चला, मतलब यार ये भी सही सीन है, अगर पता चलता तो फिर से पीछे लग जाती, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मतलब काफ़ी ज़्यादा सही सीन है, दिक्कत की बात नहीं है, और हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा सही सीन है यार। इसकी स्पीड भाई यार बहुत ज़बरदस्त चल रही है, बहुत ज़बरदस्त यार, किस तरीके से मतलब कैसे फीलिंग एक्सप्रेस कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा सही चल रही है गाड़ी, काफ़ी ज़्यादा फील आ रहा है भाई इसको चलाने, और अगर यार इसको स्टीयरिंग के साथ चला लिया जाए तो फिर क्या ही फील होगा भाई। स्टीयरिंग वाला गेम पैड जो आता है पता ही होगा यार, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा इसको चलाने में। ये गाड़ी यार काफ़ी ज़्यादा सही होने वाली है, हाइस्ट वगैरह के लिए इसको यूज़ करेंगे, क्योंकि भाई स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए गाड़ी की, और इसकी काफ़ी ज़्यादा स्पीड है, काफ़ी ज़्यादा सही चल रही है भाई, बहुत सही। पर यार देखो हमने ये मतलब सुपरा तो चुरा ली है, उसके साथ साथ हम बच के भी आ गए जिंदा, बस इसका इसको रिपेयर कराने का खर्चा है। पर यार हमने एक दिक्कत करी, अपनी KTM RC 390 हम उधर ही छोड़ करके आ गए हैं, तो देखते हैं भाई अगर पुलिस वालों ने जब्त की होगी वो तो छुड़ाने की कोशिश करेंगे उसको। पर यार KTM का कुछ इतना गम नहीं है, उसको तो हम वापस लेकर के आ जाएंगे, पर यार लेस्टर के पास जाना पड़ेगा, लेस्टर पता लगा सकता है उसको भाई KTM किधर लेकर के गए वो जब्त करके, तो लेस्टर के पास जाएंगे कल और देखेंगे भाई हम अपनी KTM को रिटेन कर पाएंगे या नहीं। चलो भाई इसको करते हैं अंदर खड़ी, और भाई साहब अपने पास सुपरा आ चुकी है, ओ डैडीज बैग बिचिस, काफ़ी ज़्यादा सही सीन है भाई। तो यार वीडियो करते हैं इधर ही एंड, कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।